नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। सदर क्षेत्र स्थित कोल्ड स्टोरेज से पिता को बुलाने गए युवक को घात लगाए हमलावरों ने मारी गोली, जिला अस्पताल में भर्ती। सदर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत जीटी रोड स्थित एक कोल्ड स्टोरेज से शुक्रवार की देर रात अपने पिता को बुलाने के स्रोतो गाँव निवासी गुलफाम को कोल्ड स्टोरेज के पास घात लगाए बैठे हमलावरों ने गोली मार दी, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। गाड़ी युवक के परिजनों ने बताया कि गुलफाम अपने पिता कयामुद्दीन को हिंदुस्तान कोल्ड स्टोरेज से लेने गया था, तभी वहां पहले से घात लगाए बैठे हमलावरों ने उसे गोली मार दी, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। कोई मामले को लेकर शहर कोतवाल आलोक कुमार दुबे ने बताया कि शुक्रवार की देर रात युवक के गोली मारने की बात सामने आई है। पूरे मामले की जाँच पड़ताल की जा रही है। कन्नौज जिला संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। अभी यहाँ पे घायल अवस्था में अपने भाई को लेके आए हैं, क्या है पूरा मामला? ये भतीजा है हमारा। क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि ये कोल्ड स्टोरेज में अपने पिताजी को लेने गया था, वहाँ पर अज्ञात लोगों ने इसके ऊपर हमला किया। उसने पहचान नहीं पाया लड़के ने, किसने गोली मारी इसके। उसके बाद में घायल अवस्था में उसको उठा के थाने लेके गए, वहाँ से लेके सीधा अस्पताल में आए, जिला अस्पताल में लेके इसको। तो ये किस समय घटना है? ये घटना है 10 बजे की। कौन है आपकी? मैं इसका चचा हूँ लड़के का। क्या मेरा नाम शहमुद्दीन अली है। और जो घायल है क्या नाम है? गुलफान अली। उम्र कितनी है उसकी? उम्र 20 के आसपास है, 20 हो 18 हो ऐसे ही है। मामला कहाँ का है? मामला ये हिंदुस्तान कोल्ड के गेट के बराबर का है। नहीं, कौन सी जगह है वहाँ? हिंदुस्तान कोल्ड स्टोरेज है, जगह होगी कोई वहीं पर। क्या लग रहा है आपको? अब क्या लग रहा है, अब ये बच्चा जो होश में आया तो बताएगा क्या है क्या नहीं, इसने देखा या नहीं देखा उन लोगों को, जब ही पता लगेगा। अभी तो आप कुछ बता नहीं सकते। पुलिस को सूचना दी आपने? हाँ, पुलिस को सूचना दी। क्या कार्रवाई शुरू हुई अभी? कार्रवाई शुरू हुई, अब पुलिस जो है अपनी कार्रवाई अपने हिसाब से करेगी। अब जब हमें अभी यही नहीं पता है कि क्या ना गोली मारी किसने है, जब पता लगेगा अज्ञात में है तो अभी तो उसको हम क्या बताएंगे। जैसे अब तो युवक होश में आया, कुछ आपको जानकारी दी है? जी, होश में आया, ये बता रहा कि मैंने पहचान नहीं पाया। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें तेजस 24 न्यूज़।